अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। और हो गई हमारी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या, हम लोग सोई नहीं क्योंकि माशाल्लाह कल रोज़ा है, तो हम लोग सब बैठे थे और हमारे फ्रेंड्स आए थे, सोनिया, सानिया, दुरूफ, तो हम लोग उनके साथ बातचीत करते बैठे थे। और इंशाल्लाह उनकी पार्लर की भी ओपनिंग है, सैलून की, तो आए थे हमारे फ्रेंड, तो हम लोग 2 घंटा बातचीत में ही लगे थे, है ना दाना। और कार्ड भी दी हम लोग को, तो वो ऊपर है, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। और ये देखो जरा, गुड मॉर्निंग हो रही क्या? नहीं सोई बेचारी वो भी, क्योंकि मेरी अम्मी अभी जस्ट अभी गए, मेरी अम्मी भी कपड़े वपड़े लेकर आए थे, तो वो आए थे, 4 बज रहे अभी, तो अभी आंटी कर रहे हैं तैयारी। और हम लोग बैठे थे इडली के फिराक में, बट इडली नहीं मिली, तो यही रूटीन की मैंने रात का जो रहता है। और देखो 4 बज गया, अभी आंटी बना रहे पराठा, बस का पराठा खाएंगे फिर इंशा रोज़ा रखेंगे। ये देखो 4 बज रहा है, ये भी नहीं सोए, अब हमारे लिए गरम गरम पराठा बन रहा है ना। और मैंने ब्लॉग जल्दी स्टार्ट कर दी क्योंकि स्टार्ट सुबह से क्यों, तो इंशाल्लाह फिर जैसा भी रहेगा। और ये हमारी कुक शकीला, अभी यहाँ तैयारी हुई है पराठा की, पराठा बना रहा, पराठा, चाय, दूध। तो नींद आ रही, तू जाके सो जा भैया, क्योंकि बहुत थक गए हम लोग, सुबह 9 बजे से उठे, अभी तक हम लोग सोए नहीं। और फिर अभी सब बैठे थे, बात बात सब करते, बहुत अच्छा लगा। तो व्लॉग मैंने बोले चलो बैठे तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ, है ना, मालूम पड़ना चाहिए ना कि हम लोग सैरी से हम लोग उठे हैं और हम लोग सोए नहीं, तो इसी को तो बोलते हैं रूटीन। अब इंशाल्लाह चाय पराठा खाएंगे, थोड़ा सा होगा तो मैं इसमें शूट करूंगी और फिर जैसा भी रहेगा दिन भर। अंडा और ये है गर्मा गर्म रोटी, तो अभी हम लोग खाते हैं और आप लोग भी आओ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, सुबह सहरी हुई थी, रोज़ा है, और ये देखो छोटा चेतन लेटा हुआ है। छोटा चेतन क्या दिख रहा बेटा, यूट्यूब क्या दिख रही, यूट्यूब रोजा है ना। हाँ, इतने इतने उदास क्यों दिख रहे? मैं हम लोग घर में अभी जाएंगे, आंटी बनाएंगे खाना और चना बनाएंगे, खाना बनाएंगे और हम लोग, मैं बनाऊंगी रवा, तो अभी नहाएंगे धोएंगे और नए कपड़े पहनेंगे और सब्जियाँ करिए जरूरी। वो तो बाद में बोले थे ना, वो तो बोले अभी स्टेटस भी रख। ओह माय गॉड, स्टेटस भी रख दिए। हाँ अच्छा, तो अभी होगा पहले फ्रेश फ्रेश के साथ में पहले नहाएंगे, और आज के दिन असर और मगरिब से पहले आपको 41 दफ़ा लाहौल भेजना होता है, और मगरिब की नमाज में 6 रकात नमाज नफिल पढ़नी होती है, तो उससे पहला, सबसे पहला आपको नहाना होता है, गुस्ल करना होता है, जिसमें आप 7 या 11 बेर के पत्ते वो डाल के पानी में नहाए, गुस्ल कीजिए, मतलब पहला नहाइए फिर उसका गुस्ल कीजिए, वज़ू कीजिए। और कहते हैं कि, वो कहते नहीं है, ये बात है कि ये करने से आपकी जो बीमारी है, आपकी जो तकलीफ़ें हैं, जो वबा है, बला है, जो भी आपके ऊपर है, यानी जो भी तकलीफ़ है वो सारी निकल जाती हैं। तो पानी में बेर के पत्ते 7 हो 11 हो ये डाल के नहाइए, है अच्छी चीज़ है। और उसके बाद असर और मगरिब के बीच में, वैसे भी असर और मगरिब के बीच में ज़्यादा वक्त नहीं है, तकरीबन 1.5-2 घंटे का फासला है ना चीनू, मगरिब की अजान बड़ी जल्दी हो जा रही है, तो उस वजह से अभी बजने वाला है 4:10 का, तो अभी फटाफट पहला नहा लेती हूँ मैं, गुसल कर लूँगी, फिर उसका चीनू नहा लेगी जब तक वो अपना हलवा हलवा देख रही इसके लिए, और नहाने के बाद में फटाफट कपड़े वपड़े नए पहन के माशाल्लाह फट जाएंगे, इफ्तारी लेकर आ जाएंगे, इफ्तारी लेकर आने के बाद में देखते हैं फिर क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ना है,
नमाज पढ़ने के बाद में मगरिब की नमाज पे सारी चीज़ें पढ़नी है। हाँ, जब आप 6 रकात पढ़ो उसके बाद जिससे हो सके हर रकात के बाद यासीन पढ़ो या फिर 6 रकात के बाद यासीन पढ़ो, बट जहाँ तक हो सके हर रकात के बाद में और मिनाज है ना चीनू, हाँ मैं और चीनू हर रकात के बाद यासीन शरीफ पढ़ते हैं। हाँ, और जिसको नहीं आता वो 21 दफ़ा कुल अल्लाह अहद पढ़ सकता है, या आपको जो आता है वो पढ़िए, लेकिन पढ़िए 6 रकात ज़रूर पढ़िए। मैं तो बचपन से आज तक पढ़ रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और जब से दिमाग आया हुआ है। और ये तो नहीं भाई पूरी रात नमाज पढ़ती हूँ या हम पढ़ते हैं पूरी रात, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नमाजें उतनी होती है जितनी मुझे जब से दिमाग में है, तो मैं नमाज ऐसे तरीके में पढ़ती हूँ जैसे मैं सबसे पहला कज़ाए उमरी पढ़ती हूँ नफिल, और ये रात कहते हैं जितनी आप नमाजें पढ़ो उतनी कम है, पेपर में आता है तो पेपर का तो मुझे याद नहीं, मैंने बहुत साल पहले पढ़ा करती थी, लेकिन जब से मेरा दिमाग आया तब से मैं सबसे पहले कज़ाए उमरी पढ़ा करती हूँ, जैसे 2 रकात सुबह की, 4 रकात जहर की, 4 रकात असर की, 3 रकात मगरिब की, 4 रकात ईशा की, मतलब ऐसे करके जितनी हो सके कज़ाए उमरी पढ़ती हूँ नफिल। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये रात शबे बारात, शबे कद्र और शबे मेराज, शबे बारात और शबे कद्र में मैं और हम पूरे घर वाले हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं सब होने का सलातु तस्बीह, जो मेरी मोस्ट फेवरेट है, मतलब मैं हमेशा सलातु तस्बीह पढ़ती, पिछले साल नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पाई थी, लेकिन मैंने बैठ के नमाज़ें पढ़ी थी, सलातु तस्बीह नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन इस साल इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। तो यही है, आप लोग भी सारी चीज़ें करो, और शबे बारात की रात है, अगर हमसे कोई गलती हो गई जाने अनजाने में तो माफ़ करना, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को तकलीफ़ दी हो, किसी को कुछ बोला हो तो माफ़ करना, और छोटा बड़ा जो समझ माफ़ करना, और दुआ में याद रखना, और मिलते फिर बाद में। देखो माशाल्लाह आज पहनिए जा रहा ने कुर्ता और पाकिस्तानी, हाँ और हाँ एकदम सॉफ्ट, और कलर तो कितना प्यारा है, एकदम डबल कलर है, और कलर कॉम्बिनेशन कैसा है देखो, क्योंकि हम लोग तो कल लेने गए थे, और का भी ऐसी है एकदम सॉफ्ट 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 सॉफ्ट, हाँ मेरा भी वाइट है बट कलर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो कैसा लग रहा कमेंट में जरूर बताना। और आज बड़ी रात है तो हम लोग के बड़े यही बोलते हैं भले ईद में पहनो ना पहनो, और ये ईद में तो तुमको नए कपड़े पहनना ही चाहिए, तो अभी रोजा भी है, जाना भी रोजा है माशाल्लाह, और अभी जा रही इफ्तारी लाने, चीनू जा रही है फ्रेश होने, और मुझे हलवा बनाना है, हाँ उसके बाद हलवा बनाएगी तो जब तक मैं जाती हूँ, हाँ क्योंकि अभी बज रहा है 4:30 तो जाके आज तक हाफ एन आवर हो जाएगा तो मिलते हैं फिर, चलो बाय। संभाल के तरीके से 7 पत्ते डालते बेर के पानी में, और फिर नहाते गुसल नहीं नहाता है बेर का पत्ता, जैसा अभी आप लोगों को तो पता है बेर का पत्ता किस चीज में यूज होता है, मतलब मैयत में हिलाते हैं, बट ऐसा नहीं है जैसा जाना ने आप लोगों को बताया कि बेर का पत्ता डालकर आपको नहाना है प्रॉपर, और हर चीज जैसी रहती है साल में सब सही रहती है, अच्छी रहती है, अला बला सब महफूज रहते, तो इस तरीके से आपको साफ पानी में डालकर नहाना है, इसलिए मैंने बताया, जिसको पता हो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं मालूम तो इस वीडियो के ज़रिए उसको सब चीज़ पता चलेंगी, तो जैसा हम लोग हमारे बड़े हमारे घर के करते वैसा हम लोग भी करते हैं। तो अभी हम लोग बेर का पत्ता मंगाए, अभी जाना नहा लिए है, और कल नहा धोकर ही हम लोग ने रोज़ा रखे थे, लेकिन अभी गुस्ल लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नियाज का सामान ही बनाना है और रोज़ा भी है, तो कर लेते हैं फटाफट। और ऐसा तो 12 से पहले नहाने का रहता है क्योंकि रोज़ा मकरू हो जाता है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं क्योंकि ये भी गुस्ल लेना बहुत ज़रूरी है, और बेर का पत्ता जल्दी मिलता नहीं है आज के दिन, तो अभी जाके शकीला ने झाड़ में से लेकर आई, वो भी यहाँ नहीं जहाँ हम लोग पहले रहते हैं वहाँ पर, अभी नहाते हैं फटाफट और मिलती हूँ फिर मैं आप लोग को थोड़े टाइम से। इफ्तारी लेके और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह दुपट्टा, हाँ आपके दुपट्टे पता है सबको के बहुत कलेक्शन होते हैं, सेम टू सेम नॉर्मल सिंपल सूट बहुत प्यारा माशाल्लाह,
एक्चुअली कपड़ा की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये जाना तो पूरी कैरी लेकर आई है अभी, और कैरी के टाइम बताएंगे हम लोग क्या क्या है। अभी है और अभी कुछ ऑर्डर्स देकर आई हूँ मैं, जो नमाज अजान से कुछ वक्त पहले आएगा। हाँ, अभी मैं जाऊंगी रवा बनाऊंगी, तो मैं आप लोग को उसकी भी रेसिपी जरूर बताऊंगी। माशाल्लाह, ठीक है, खूबसूरत है ना। चलो मिलते हैं, है ना, रवा के टाइम खूबसूरत है और थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अभी तक हमने वीडियो अपलोड एक भी नहीं किया आज दिन की। तो सबको हमारी तरफ से शबे बारात बहुत बहुत मुबारक, और कुछ भी खता हो तो माफ करना। और फिर मिलते हैं सूजी के हलवे के साथ, और मैं अभी बनाने जा रही हूँ एक वीडियो जो इंस्टाग्राम पे आप लोग जाके देख सकते। रवा, रवा है, शक्कर है, और ये मगजियात है, और ये इलायची, और ये घी। और अभी बनाने जा रही हूँ मैं रवा, और मैंने इधर कलर भी मिक्स किया हुआ है ऑरेंज, ठीक है। तो माशाल्लाह बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। गरम हो रहा है, मैं बना रही हूँ, और पता है आप लोग को कि मैं सब पूरा व्लॉग नहीं बना सकती हूँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि काम भी करो व्लॉग बनाओ तो नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट थोड़ा सा मैंने बता दी कि मैं क्या क्या उसमें रवे में डालूंगी। और आप लोग को तो पता ही, रवा तो कोई भी बनाता है ना, तो उसकी रेसिपी क्या बतानी। तो मैंने स्टार्ट किया है अभी, और फिर पूरा हो जाने के बाद मैं आपको पूरा बताऊंगी फिर, ठीक है। पहला हमारा सब काम हो गया, खाना भी बन गया, रवा भी हो गया, और बज रहा है 6:15। और अभी हम लोग 44 मरतबा लाहौर वाला कोता पढ़ते हैं, वो भी हो गया आसमान को देखकर। और फिर अभी बस रोज़े की तैयारी, फिर रोज़ा होने के बाद में 6 रकात नमाज है, वो भी पढ़नी है, बहुत ज़रूरी है। और फिर जैसा भी रहेगा आगे आगे। 41 मरतबा, और ये जाना ही पड़ रहा है आसमान को देखकर, क्योंकि इन लोग की तो व्लॉग में ले लेती हूँ। अभी हम लोग, मैं और आंटी पढ़ लिए, और शकीला पढ़ी, शकीला हाँ पढ़। लोबान हो रहा है घर में, और अभी हम लोग सब मरहूम के नाम के लोबान डालेंगे, क्योंकि रोज़ा भी है ना, वो हिसाब से सब 6 बज गया अभी सब लोग। और आज चादर नहीं चढ़ा है, क्योंकि फूल आप लोगों को पता है कि आज बहुत बिक जाते, जल्दी रहता नहीं है, शब बारात का दिन है, और हमारा जो फूल वाला है वो मुल्क चला गया, तो इसलिए इंशाल्लाह कल ज़रूर चढ़। जय शकीला, हाँ हाँ चीनो, अच्छे से लेना सब, वहां से भी ले सब, इसलिए जमीन में सब पोछ के निकाली गई, झटक क्या पड़े फिर आके निकलवाना, तो बोले बन के रहेगा। ये हमारा हलवा रेडी, चावल जीरा राइस, और इसमें बन रहा है सालन गोश्त का। और ये तैयारी की, क्योंकि बच गया 6:05, और जैसा भी होता है अभी देखो। अभी हम लोग बैठे हैं रोजा खोलने के लिए, और रोजा है तो अभी सब उसमें है, और तैयारी की तैयारी हो गई है पूरी, और माशाल्लाह अभी रोज़ा खोलेंगे, अजान होंगे तो फिर नमाज पढ़ेंगे जो 6 रकात पढ़नी है। तैयारी लेकर आइए जाना, और आज सब रेडीमेड लेकर आए हैं, सिर्फ चना घर में बना, ये मेरा फेवरेट। और अभी तैयारी करने आप लोग भी, चलो माफ़ी तलाफी यहाँ चल रही है, नमाज हो रही है। मार दूंगी, शब बारात मुबारक हो आप सबको भी, 6 रकात नमाज पढ़े, हाथ चुमने का बड़ो के बंद कर, कल को भी गलती देंगे तो माफ करो, घर पे पुलिस से ऐसा तू सुनी नहीं जा रहे।
जो भी गलती हुई है मुझे माफ कर दूंगी। الْكَافِرُونَ لَا يَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. يا غوث اعظم سيدہ, یہ دل ہے, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو یا قدم. یا غوث اعظم, دنیا میرا آفت سے بچانا مولا, عقبہ میں نہ کچھ رنگ دکھانا مولا. بیٹھو در پاک کے پیغمبر کے حضور, ایمان پر اسک اٹھانا مولا. سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, اس گھر میں بھی ہو جائیں چراغا یا رسول اللہ. یا الہی, ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پرے مشکل سہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی, بھول جاؤ نہ ذائقی تکلیف کو, شاد دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی, گرمی محشر سے جب ہر کے بدن دامن محبوب کے ٹھنڈے ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی, نام فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. یا اللہ, ہم سبوں کی معبود حقیقی رب کائنات رب قدیر, یا اللہ تیری قبر. تو بھی فاتحہ ہو گئی, بہت اچھی بہت اچھی فاتحہ کرتے ہیں. بیٹھے ہیں, ناشتہ واشتہ بھی ہو گیا, اور ناشتہ کیا مطلب افطاری کر کے, اور ابھی میری بہن آئی ہے تو ابھی یہ لے کر آئی ہے پلاؤ, اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, تو دعا کرنا کہ جلدی سے جلدی طبیعت ٹھیک ہو جائے. اس کو بھی کھانسی لگ گئی, مجھے بھی لگ گئی. یہ میری بڑی بہن ہے, اور میرے بھائی جان بھی آئے ہیں, اور یہ ہے ارحان. ارحان دیکھو, اور یہ ارحان ہے نا, بالکل سنتا نہیں ہے ارحان. یہ ارحان ہے, ارحان دیکھتا ہے. تو ابھی لوگ آئے تھے اور ابھی لوگ جا رہے ہیں, تو آج شب برات ہے, ابھی سب کے گھر میں کام ہے, نمازیں پڑھنی ہے, اور سب یہاں وہاں لیڑ رہے. تو ملتے ہیں پھر, ابھی دیکھتے ہیں, ابھی کھانا پینا کھائیں گے ہم لوگ. 10 بجے اور ہم لوگ تو کہیں نہیں گئے آج, لیکن دیکھیں گے آدھے گھنٹے کے لیے, کہیں راؤنڈ لگا کر آئے تو آئے. گھر سے آیا ہے گرما گرم پلاؤ. سے نکلے ہیں, رات کا بج رہا ہے 11, اور ہم لوگ جا رہے تھوڑا سا باہر راؤنڈ لگانے, کیونکہ ہم لوگ گئے نہیں صبح سے, اور ذرا دیکھتے کتنی سجاوٹ ہوئی ہے. اور اچھا لگتا ہے نا سب باہر جانے, اور روز تو باہر جاتی ہے, تو بڑا دن ہے آج, بڑی رات بھی ہے, تھوڑا سا باہر جائیں گے. پھر ہم لوگ وہی, ہاں وہی نا, اور پھر ہم لوگ نماز وماز پڑھیں گے, پھر وہی سحری کی تیاری رہیں گے گھر کے پاس ہے. اور ابھی ابھی ہم لوگ چل لوگ اپنے ایریے میں گھوم رہے ملاڈ میں, اور میں ابھی اپنی آ کے مسجد بھی دکھاؤں گی. تو سب جگہ پہ سجتی ہے, اور قبرستان, جو لڑکیاں تو قبرستان جا نہیں سکتی, پر باہر سے سلامی تو دے سکتی ہے نا. ماشاء اللہ غریب, ہمارے ادھر کی مسجد بڑی مسجد, ماشاء اللہ کی پیاری سجتی ہے. کتنی گردی ہے اور کتنی رونق, ایسا لگ رہا ہے 8 بج رہا, ماشاء اللہ اتنا پیارا سجا ہے. دیکھو ماشاء اللہ, السلام علیکم. اور ہر جگہ پہ روشنی ہے, ہر جگہ پر, ہر کسی کے چھوٹے بڑے سب جگہ پر گھروں میں روشنی ہے, پکا ہے, ہر چیز ہے. اور قبرستان میں تو یہاں گھوم گڑتی ہے, ایسا لگ رہا ہے 8 بج رہا جبکہ 11 بج رہا. ابھی ہم لوگ تھوڑا اور آگے جا رہے ہیں سلامی دینے, دیکھتے ہیں ابھی کیسا. ہم لوگ آ گئے بابا مخدوم چھوٹی درگاہ, اور یہاں پر ابھی یہاں پر مخدوم شاہ بابا جو ملاڈ میں چل چولی پہ, وہاں پر آ کے ہم لوگ سلامی دیے ہو جانا. اور اب اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے گھر پہ, اور ماشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے نا اسے بڑے دن پر درگاہ بھی آئے تو, اور ہمارے گھر کے ایک دم نزدیک ہے, تھوڑے چلو نزدیک جا کر آ جائیں, تو بہت اچھا لگا. اور آپ لوگ نے بھی دیکھے دعا کرنا, چلو.
चलते हैं अभी यहाँ से, कुछ लेते हुए घर पे जाएंगे। वे जाएंगे कुछ जूस वूस और जो हमारे यहाँ मिलता है 5 नंबर पे, और फिर जाके नमाज की थोड़ी बहुत तिलावत करेंगे, क्योंकि अभी आंटी को बोलकर आए कि हम लोग जा रहे दरगाह शरीफ, वहाँ पर जाकर दरगाह जाकर सलामी देकर आते हैं, है ना। अभी चलते हैं क्योंकि जितना हो सके उतना तिलावत करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़रूरी है ही, जो मांगो वो मिलता ही, सच्चे दिल से मांगो और नियत साफ, है ना। तो इतना रौनक लग रहा है रोड पर, और पूरे और इतने लड़के दिख रहे हैं, इतनी रौनक है, ये भी कब्रिस्तान है, कितनी रौनक है, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। एक्चुअली मेरे को ऐसी बड़ी रातों में बाहर निकलना बहुत थोड़ा सा निकलते नहीं है, क्योंकि सब लड़के ही रहते हैं, लड़कियों का काम ही नहीं है, थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है, लेकिन फिर भी मेरे चलो रात में जाकर आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बाहर के अच्छे से ग्राउंड भी हो जाएंगे, और हमको भी दिखता था ना कि कैसे सजाए सब चीज़, और बच्चे छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े बच्चे और सब छोटे छोटे से लिटिल बच्चे बहुत छोटे छोटे, बहुत अच्छा लगता है देखकर। जो अपना हिसाब किताब है वो यही है कि भाई लड़के ही ज़्यादा जाते हैं बाहर, और हमारे भाई जो थे बड़े छोटे उन लोग को ही इस चीज़ की मतलब है, तो ये चीज़ बहुत दिल पे लगती है कि हम नहीं जा सकते, और यकीन मानो कभी कभार लगता भी है यार काश हम भी अपने अबुओं की कब्र को देखने जा सकते। स्पेशली मेरे को तो बहुत लगता है, मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि भाई मैं इंशाल्लाह कभी गई तो अपने अबू की कब्र पे ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि हमारे तरफ जो है वहाँ पर जा सकते हैं और अपने यहाँ पर नहीं जा सकते। हाँ। बस जो अपने छोटे भाई हैं बच्चे हो गए वो जाकर दुआ करते, तो मरहूम भी बहुत खुश होते, इसलिए तो कहते हैं ना कि मगरिब के टाइम पे मरहूम आते हैं ये देखने के, हमारे घर के छोटे बड़े हमारे लिए क्या कर, क्योंकि उनकी ईद है और ये सबसे बड़ी होती है ईद, और बहुत अच्छा लगता है। और अल्लाह जो भी हमारे छोटे बड़े जो भी दुनिया से चले गए अल्लाह उनको कड़वट जन्नत नसीब करे, और करवट और मैं अपने बच्चे लोग को बहुत मिस करती हूं। बिल्कुल बिल्कुल करना भी चाहिए भाई, औलाद है तो कर ही करते ही हैं, और ये कोई बोलने वाली बात थोड़ी ना कि तुम मिस करते, तुम हमेशा हर वक्त याद करते, और सबसे ज़्यादा मैं मिस कर रही हूँ। बिल्कुल, और चीनू हकीकत हर टाइम हर वक्त हर अरे ऐसा मैं कभी रोकर वीडियो वगैरह भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को भी अच्छा लगता नहीं है कि मैं दिखाऊँ और लोग ये बोले कि भाई ही दिखा रहे, बट जिस पे बीतती उसको पता चलता है, और कभी कभार माँ है यार तो रोना आ जाता है, और चीनू आके बहुत कम रो मतलब ऐसा वीडियोज में नहीं रोती, ऐसे तो रियल लाइफ में बहुत रोती है, बट ऐसा वीडियोज बना के वो नहीं रोती है, क्योंकि वो वाकई में बहुत स्ट्रांग है और अल्लाह उसको वैसे स्ट्रांग बना के रखे। बोलते ना कि बेटी है पर मेरा छोटा बेटा है ना, तो मुझे बहुत लगता है बेटा, और चीनू बड़े प्यार से उसे क्या कहती है जैन भाई भाई, है ना। तो कोई नहीं आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो बस अभी थोड़ा सा कहीं रुकते हैं, हम लोग कुछ लेना है घर के लिए, फिर लेते हैं और फिर चलते हैं, है ना। कम ऑन लेट्स गो, क्या चीनू ये पॉपकॉर्न लेने देते हैं, पॉपकॉर्न उसको मिलता है क्या अभी, क्योंकि उसको आदत है हम लोग को रोज़ रात में खाने की, और जाना का भी मूड थोड़ा ख़राब है, रो रही है वो भी, और क्योंकि उसको भी उसके अब्बू की याद आ रही है, मेरे को भी आ रही है, तो थोड़ा सा तो मैं बोली चलो कुछ ले लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते कुछ जूस वूस लेते हैं, फिर जाते घर पे। अभी हम लोग आए हैं गोरेगांव, दरगाह से सीधा इधर ही इधर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ दवाई लेनी है, तो वो भी मिल जाएंगी यहाँ पर। यहाँ पर मिल गया सब, तो हम लोग सिर्फ ये लेने के लिए आए, बोलो पॉपकॉर्न है ना, रोज आदत पड़ गई हम लोग को पॉपकॉर्न खाने के। चीज फ्लेवर भी लिया, नॉर्मल वाला भी, नॉर्मल भी लिया हुआ। वैसे मैं खाती हूँ एक्टिव पॉपकॉर्न, नहीं मिला वो एक्टिव पॉपकॉर्न, तभी जो मिला उसे काम चला लेती। मेरी दवाई और मैं खड़ी हूँ बाहर, क्योंकि मुझे बहुत कंटाल आ रहा है अंदर, और एसी भी चल रही है, मैं बोली तू दवाई ले, मैं थोड़ा सा बाहर ब्लॉग खाती हूँ।
लाइट के एकदम नीचे खड़ी हूँ मैं, और मेरा कुछ दवाई भी ज़रूरी थी तो वो मिल नहीं रही थी, तो हम लोग को यहाँ आना पड़ा। देखते अभी जैसा भी है, मेरे को लगता है जब तक जाए तक जूस वाला बंद हो जाएगा, एक बजने आ जाएगा तब तक। ट्रैफिक है देखो, इतने ज़्यादा ट्रैफिक है, हमेशा तो रहती है पर आज ज़्यादा ही है। घर पे जूस वूस मिला नहीं, और अभी वजू बना है, अभी जा रहे हैं नमाज पढ़ने, और फिर मिलते हैं आपको नमाज पढ़ के, ठीक है। हो गई हम लोग की नमाज, इशा की पढ़े, और फिर सलाह तस्बीह पढ़े, नफिल भी पढ़े, माशाल्लाह। आए थे 12 बजे, 1:15 हो रहा है, थोड़ा सा बैठते हैं। बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, इतना और इतना पढ़ रहे, ऐसा नहीं कि ब्लॉक में लो, क्योंकि ब्लॉक में हम लोग तीनों पढ़ रहे तो शकीला लेंगी नहीं। और पर्ची में निकाली थी, और हमेशा कैसा छोटे थे तो हम लोग बाजू जगह में पर्ची से पढ़ते थे, और एकदम खाना पीना खा के रेडी होते थे। तो आज मैंने पर्ची बड़ी चाह से निकाली, कह मैं पर्ची वाली नमाज पढ़ती हूँ, पिछले साल हम लोग पढ़े थे, मैं निकाली ना तो फिर थोड़ा सा देखी ना मैं कि भूल जाती, को पीछे से आवाज़ देना रहेगा तो इंसान पढ़ लेगा। वह रखी नफिल पढ़े, बस चला गया 1 घंटे से माशाल्लाह अल्लाह के निगाह में, ऐसा तो रहते ही है, एकदम ज़्यादा करीब थे, है ना। अभी चाय वाय पीते खड़े होके, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और ऐसे बताते नहीं है कि पढ़ते, लेकिन अभी क्या ब्लॉक है तो उसे बता रहे, वरना हम लोग को इतनी जरूरत नहीं कि बताना। पिछले साल नहीं पढ़ पाई, हाँ दिल में खलल था, और जूस वूस तो मिला नहीं हम लोग को, बंद हो गया था, बताई थी मैंने 12 बजे बंद हो जाएगा। खैर कोई नहीं, अभी सहरी करना है, सहरी तो जितना होता भी और 2-3 घंटे में उतना पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी थोड़ा आधा घंटा लेटते फिर पढ़ते है, और जैसा भी रहेगा आप लोग को तो अपडेट मिल ही जाएंगी, है ना। देखो जाना बेचारी पैर में उसको लगा है, फिर भी उसने खड़े रह के नमाज पढ़ी, और हम लोग का नमाज पढ़ाई सलात तस्बीह, तो मैं हूँ करती कि आगे पढ़ते रहो, है ना, साथ में पढ़ेंगे तो क्या और दम वो रहता है पढ़ने का। और आंटी भी नमाज पढ़ ली है, बड़े चाह से पर्ची निकाली, नहीं पर्ची में तो पढ़ती थी नमाज, उसमें पढ़ी मैंने, और फिर दादा बोलती एक बार पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ना पड़ता है, बात है वो, और 50 रखाते नमाज, वो 25 हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई बात नहीं, और अभी नफिल रहेंगी पढ़ते रहेंगे। और ये देखो इसको देखो, जितना हो सके नफिल नमाजें पढ़नी है ना, जितना कुछ पढ़ नहीं पाते, ये पढ़ नहीं रहेगी, ये सिर्फ चाय कॉफी टी बनाने में लगी है। तो फिर मिलते है, है ना, कुछ देर के बाद मेरी अम्मी भी आएंगी, देखती फोन कर। हमारा सो रहा है, हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, बीच बीच में आ रही थी, देख, और ये देखो आंटी साइड में हट गई, वो बैठे अभी साइड में बैठ, जितना और होती तिलावत कर रहे हैं, लेटी कितने प्यार से, और जो कितने प्यार से ये लेटी है, और जो व्हाइट वाला है वो बाहर गया हुआ है, और ये पर्दे के पीछे शकीला बना रही है मैगी, ये देखो देखे मसाला निकाल, और सिर्फ गोवा खा रही है, एकदम गोवा गर्मा गर्म मैगी खा रहे अभी हम लोग। सहरी को टाइम है अभी 2 बज रहा है, तो छोटा सा नाश्ता, उसके बाद फिर थोड़ी सी तिलावत, यस है ना, तो मैगी खाते हैं, और ये चॉकलेट भी खाए हम लोग ने, मेरी बहुत फेवरेट है, पर सुजैन नहीं खाई। और ये है जोलो चिप्स, ये लेकर आए हम लोग, ये लेकर आए हम लोग स्पेशली शकीला के लिए, क्योंकि हाँ। वो कोई बात सुनती नहीं है और उसका ख्याल रखना पड़ता है, हाँ तो ये शकीला भी खाएंगी पूरा, उसके बाद ये तिलावत करने बैठेंगे, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं पढ़ी है। देखो मेरी बेटी छोटी सी सुजैन, चलो खाओ ये छीनो जोलो चिप्स का, क्योंकि चिप्स ही खा रही हूँ अभी, हाँ क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग उसको खिला रहे, हाँ चल शकीला चल फटाक से पूरा बढ़ाने वाला, पूरा बढ़ाने वाला, हाँ पूरा, 3 2 3 2 1 रेडी, हाँ वो भी फटाक से, ये आदत छुड़ाने की सबसे अच्छी चीज है ये, हाँ हाँ वो चिप्स है देखो, वो उठा फटाक से चिप्स उठा, हाँ चल चबा चबा अच्छे से चबा चबा
चबा नहीं 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 पानी नहीं इससे ये खा नहीं 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 पानी नहीं पानी नहीं पानी नहीं पानी नहीं मैं भी खाई ये गोवा गुटखा छूटने की सबसे अच्छी तलब मतलब सबसे बेस्ट चीज है ये अगर आपको गोवा गुटखा छुड़वाना है अरे बैठ कान में तो धुआं निकल रहा नहीं धुआं नहीं निकल रहा बैठ रहे नहीं 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 ये देख हाँ हाँ ले वो का सूखी मैगी वो बैठे रे क्या हो रहा शकीला कान में तो धुआं निकल रहा गोवा खाएगी गोवा खाएगी गोवा गोवा या ये गोवा नहीं अरे गोवा खाओ नहीं नहीं खाओ गोवा खाओ हजरत आपको कैसा लग रहा है थोड़ा बचा हुआ दूं तुमको स्पाइसी बहुत है और ये चॉकलेट में इसको दे दी थोड़ा सा दूं तुमको क्यों थोड़ा बचा हुआ है डाल दो उसमें खा लेंगे हम लोग चल लेट्स सी चीनू को जरा भी स्पाइसी नहीं लगा नहीं स्पाइसी जितना बोले उतना नहीं है ठीक है ज्यादा स्पाइसी नहीं फिर मैं खा रही हूँ क्योंकि उसको भी खाना पड़ रहा है ओके ये ना गोवा छोड़ती नहीं डॉक्टर ने उसको मना किया है तो अब मैं खा रही हूँ अभी बच्चे लाइ ये खाएंगे तुम भी खाओ हाँ वो चिप्स खाओ एक माशाल्लाह मेरा टाइगर है रोर कर रोर चलिए नहीं पूरा खाओ तुम नहीं खाने खाने वाली खाओ खाओ पानी वाला खाई बड़ा अच्छा माशाल्लाह वो भी अबे खा शकीला खा नहीं आपा ले एक एक नहीं वाला है चलो चलो फटाफट शकीला शकीला जल्दी जल्दी ले चल 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 अल्हम्दुलिल्लाह अब खाएंगे हमारी शकीला डिंग 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 नो पानी नो वाटर अच्छा नो वाटर ए वो खाने का रे वो तो महंगा है 200 रुपए का वही मैंने गोवा गुटखा की लत छुटती उससे चबा चबा अच्छे से चबा अब चुपचाप बैठ जाओ दोनों दोनों में से कौन ज्यादा सहन करता है पानी नहीं पीता है ये शकीला के पास भी पानी रखा हुआ है और ये चीनू के पास भी वाटर है माय गॉड डिंक चिका डिंक और मैं खा रही हूँ अपना सिंपल मैगी प्लेन मैगी बोलो तुम लोग कुछ बोलेंगे नहीं कैसा फील हो रहा है कहाँ कहाँ से धुए आ रहे हाँ है जो शर्ट लगाएगा तो भी हम लोग ही जीतेंगे है शकीला शकीला कहाँ से धुए आ रहे पी ले भाई पानी अब पी ले शकीला पीना चीन हार गई शकीला जीत गई लोग का हो गया नमाज भी पढ़ के हो चुका है माशाल्लाह बज गया 4:15 और अभी मेरी अम्मी भी आए हैं देखो
और अभी नमाज वमाज सब हो गई हमारी। अभी हम लोग सहरी करने जा रहे हैं क्योंकि 4:15 हो गया, तो 1 घंटा है, बट फिर भी खा पिए तक का टाइम हो ही जाएगा, है ना। तो फिर मिलते हैं। और खाने में वही आज बनाए थे, गोश्त का सालन, चावल, रोटी, मीठा। और अल्लाह ने सबकी दुआएं कबूल करे, जो जो सच्चे दिल से दुआ किए हैं गुनाहों को माफ़ करे। और अभी इंशाल्लाह ब्लॉग तो मैं अभी स्टार्ट ही रखी हूँ, थोड़ा सा जो बातचीत होगी अभी आपसे करेंगे हम लोग शेयर, फिर उसके बाद में नमाज वमाज हो जाएंगी तो फिर ब्लॉग हम लोग वहीं एंड करेंगे इंशाल्लाह। तो शकीला आपा अभी हम लोग की सहरी करवा रही, सब गर्म कर रही, क्योंकि वो कुछ भी नहीं की शकीला ने, कुछ भी नहीं काम का उसको टेंशन है ना। हमारे घर में आती है काम वाली, सिर्फ पता नहीं किचन में रहती है वो, मेट है हमारे अंदर सब चीज़ हो जाती है, उसको कोई चीज़ का हुई नहीं है। चलो फिर आप लोग भी आओ सहरी करने। अभी हम लोग सारी सहरी कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, सब चीज़ हो गई। मेरे मम्मी भी चले गए क्योंकि वो भी आज भी रोज़ा रखे थे और आज भी है उनका रोज़ा, तो वो भी घर पे चले गए सहरी वहरी करके। और अभी बज रहा है 5:30, और देखो अभी आंटी बैठे क्योंकि अभी नमाज़ पढ़नी है हम लोग को फजर की, फिर नमाज़ पढ़ के फिर दुआ मांग के फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग सोएंगे। तो बज गया है 5:30, इंशाल्लाह हो गया 5:30। अभी नमाज की तैयारी है ना, अभी नमाज पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, सब दुआ मांग लेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं जैसा भी। अभी तो आगे कुछ है ही नहीं, अभी फिर सोना है और फिर इंशाल्लाह कल का जो भी रहेगा वो अजान हो जाएंगी। देखो आंटी बैठे इंतज़ार में, शकीला भी नीचे उतर रही है अल्लाह। और ये देखो माशाल्लाह, और ये मेरी जानमाज। तो अभी होने वाली है अजान, बिल्कुल, और आज है दूसरा रोजा, मतलब 15वीं शब का रोजा माशाल्लाह। और हम तीनों का दूसरा रोजा ही है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जितनी हो सके हम लोगों ने उतनी तिलावत की है और नमाज पढ़ी है, सबके लिए दुआएं की है, उम्मीद है कि आप लोगों ने भी दुआएं की होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बस इतना ही कहेंगे। और दुआ में याद रखिए, हमारी सारी चीजें अच्छी लगती हो तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करो और अपने सपोर्ट करें। और पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट आज इंशाल्लाह क्या होता है फिर दूसरा वही होगा। तो जितना हो सके बस दुआ में याद रखना और चल दुआ में याद रखो और हमें ऐसी पसंद करो, लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत। एक बार फिर सबको सैयद मुबारक हो, बाय बाय, हाफिज़।